साल 2007 में शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया में अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली चित्रांशु रावत अब एक बार फिर से लोगों को अपना दीवाना बनाने आ रही है। चक दे इंडिया में हॉकी खेलने के बाद अब वो कराटे करती नजर आएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रांशु रावत की आने वाली सीरियल की, जिसमें वो एक कराटे चैंपियन की भूमिका में नजर आने वाली है। ये सीरियल एक ऐसी लड़की के जीवन पर आधारित है जो अपने मन की सुनती है, अपने मन मुताबिक जीने में ज्यादा विश्वास करती है। यही नहीं, शादी से पहले वो अपने होने वाले पति के सामने अपनी शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट देकर आती है। आपको बता दें कि चक दे इंडिया और तेरे नाल लव हो गया जैसी फिल्मों में काम कर चुकी चित्रांशु रावत मूल रूप से देहरादून की रहने वाली है। चित्रांशु सोनी टीवी की मशहूर सीरियल FIR में चंद्रमुखी चौटाला के किरदार में नजर आ चुकी है। चित्रांशु रावत ने अब जिस तरह से ये किरदार निभाए हैं उसमें तो दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया है, लेकिन अब देखना होगा कि वो कराटे करती कैसी लगती है और दर्शकों को अपने इस हुनर से अपना दीवाना बना पाती भी है या नहीं। हिमालय न्यूज के लिए रेखा शर्मा की रिपोर्ट। हंस कल्चरल सेंटर की ओर से निवेदन है कि परम पूज्य श्री भोले जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर 26 व 27 जुलाई को विशाल सत्संग समारोह का आयोजन नई दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री हंसलोक आश्रम 18B भाटी माइंस रोड में किया जा रहा है। सत्संग का समय शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे रात तक है। शाम 6 बजे तक सत्संग में प्रवेश किया जा सकता है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सपरिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधार कर आत्म लाभ उठाएं। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायकों के प्रेरक भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8800291788 एवं 8800291288 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिमालय न्यूज की खबरों को लेकर अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल हिमालय न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है जो हमें झूठ को बेनकाब करने का हौसला देता है। तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़.com।